नमस्कार दोस्तों, वेदीफाइट के इस YouTube चैनल पर मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। किस बीमा कंपनी ने COVID-19 बीमा कवर देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो ये इन्होंने भागीदारी की है इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्ढा। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और किस कंपनी के साथ भारत ने देश भर में 5,000 मेगावाट सौर और थर्मल संपत्ति विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए करार किया है? तो ये कंपनी है कोल इंडिया, कोल इंडिया। किस देश ने नए प्रधानमंत्री के रूप में जीन कास्टेक्स की नियुक्ति की है? तो ये आप मैप देखकर आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा देश है। ये है फ्रांस, और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को, OECD और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एडिक्वेटेड। यूनेस्को, OECD, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये आपको याद रखने हैं। इस अमेरिकी कंपनी ने जेबी केमिकल्स भारत की कंपनी है में 54% हिस्सेदारी 3,100 करोड़ में खरीदी है। तो ये उन्होंने खरीदी है, केकेआर की कंपनी ने खरीदी है। केकेआर की फुल फॉर्म है कोलबर्ग कैरविस रॉबर्ट एंड कंपनी, कोलबर्ग कैरविस रॉबर्ट एंड कंपनी। मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम मार्स कलर कैमरा ने हाल ही में मार्स फोबोस के निकटतम और सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर ली है। तो मॉम मिशन किस देश से है? तो ये मिशन है इंडिया का, और इसरो के चेयरमैन है के सिवन। कार्ल रेनर का निधन हाल ही में हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे कॉमेडियन, और इनके एक फेमस शो का नाम है द डिक वैन डाइक शो, द डिक वैन डाइक शो। और आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। धम्म चक्र दिवस ये हम लोग मनाए हैं 4 जुलाई को, 4 जुलाई, और इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। और हम लोग मनाए थे इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, और ये हम लोग मनाए हैं 1st सैटरडे ऑफ जुलाई को। और इस बार कब मनाया हम लोग? इस बार मना है 4 जुलाई को। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने छात्रों के लिए ई पोर्टल लीड लॉन्च किया है? लीड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दिल्ली ने, और लीड की फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। यूकेआईबी ने यूके के साथ और भारत के किस राज्य के बीच एक स्थायी व्यवसाय के लिए एमआईडीसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इन्होंने हस्ताक्षर किया है महाराष्ट्र से, और यूकेआईबी की फुल फॉर्म है यूके इंडिया बिजनेस लिमिटेड, एमआईडीसी की फुल फॉर्म है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भी आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये इन्होंने ये यहाँ पे पहले दूसरी योजना चलती थी, इसका पहले इसका नाम था, इस योजना का यहाँ पे नाम था मुफ्ती मोहम्मद सैयद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम, और इन्होंने अब अपनी योजना नई ले आई है जब से ये जम्मू कश्मीर से अलग हुए हैं। तो ये योजना लाई है लद्दाख ने, और लद्दाख के गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में है माउंट एगुंग वोल्केनो भी इंडोनेशिया में है, ये हमें याद रखने हैं। G20 की असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व
किसने किया था? तो ये किया था हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और हु नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसने किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है इन्हें राजीव स्वरूप को। और आज हम लोग राजस्थान के कुछ स्टैटिक जीके देखेंगे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। यह है राजस्थान का मैप, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा, वहाँ पे टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ का डांस है घूमर। और ये सब स्टैटिक जीके आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम के लिए याद रखने हैं, क्योंकि वो सब एग्जाम में स्टैटिक जीके 4-5 नंबर के आते ही हैं। और नेशनल पार्क देखते हैं राजस्थान के क्या क्या है। रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सेसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मछिया बायोलॉजिकल पार्क, ताल छप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन सारे राजस्थान के नेशनल पार्क के आपको नोट्स बना लेने हैं और इनका अभ्यास लगातार करते रहना है, और साथ साथ मैं भी आपको अपने वीडियोस में इनका अभ्यास करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।